हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस नोट्स। और आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। हम इनकी लंबाई, उद्गम स्थल, सहायक नदियाँ और कहाँ पर ये गिरती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली है सिंधु नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा से इसका उद्गम है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बाएं साइड जो बहती हैं, जास्कर, सूरू, सून, जेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, पांजनाद, और दाएं किनारे पर बहने वाली स्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, कुनार, काबुल, कुर्रम, गोमल, जोब नदी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। जल निर्मल स्थान कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में जाके। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमा युंग दुंग नामक हिमवाह से हुआ है। सहायक नदियां हैं बाएं किनारे पर बहने वाली तिबांग, लोहित, धनसिरी, कोलोंग, और दाएं किनारे पर कामेंग, मानस, बेकी, रेडक, जलदाका नदी इसकी सहायक नदियां हैं। कहाँ पे गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में। तीसरी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बाएं किनारे पर बहने वाली महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, घाघरा, और दाएं पर यमुना, सोन और महानंदा। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चौथी नदी है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। उद्गम स्थल है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। सहायक नदियाँ हैं बाएं किनारे पर बहने वाली बाणगंगा, कादवा, सिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालीपेरू और सबरी। दाएं किनारे पर बहने वाली नासर्दी, धरना, परवरा, मनेर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। पांचवी नदी है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। उद्गम स्थल है, यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। सहायक नदियां कौन सी हैं? तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मुसी और भीमा। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। छठी नदी है यमुना नदी। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। उद्गम स्थल है यमुनोत्री, बंदरपुच पहाड़ी, उत्तरकाशी जिला और उत्तराखंड में जो स्थित है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बाएं किनारे पर बहने वाली टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, हनुमानगंगा, और दाएं किनारे पर बहने वाली चंबल और बेतवा। जल निर्मल स्थान कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके यमुना नदी अपना अस्तित्व खो देती है। सातवां है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा कुंड, अमरकंटक में, अनूपपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सहायक नदियां हैं बाएं किनारे पर बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देव, गोई। दाएं किनारे पर हिरन, तंदोली, बरना, मान। कहाँ पे जाकर गिरती है? खंबाती खाड़ी में, जो कि अरब सागर में स्थित है। अगली नदी है महानदी। लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है? सिंहवा, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सहायक नदियाँ हैं बाएं किनारे पर शिवनाथ, पैरी, सोंदूर, हसदेव, दाएं किनारे पर बहने वाली जोंक, खारून और नदी। जल निर्मल स्थान कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके महानदी अपना अस्तित्व खो देती है। नौवीं नदी है कावेरी नदी। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। उद्गम स्थल है ताल कावेरी, कोडुगु, पश्चिमी घाट। सहायक नदियां हैं बाएं किनारे पर हिमावती, सिमसा, अर्कावती, और दाएं किनारे पर काबिनी, बवानी, नोयल, अमरावती। जल निर्वन स्थान कावेरी डेल्टा, बंगाल की खाड़ी, जो कि भारत में है। दसवीं और अंतिम जो नदी है वो है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मुलताई, जिसे मूल तापी भी कहते हैं, जो कि कहाँ है? निकट बैतूल के सतपुड़ा पर्वत के पास।
सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्णा नदी, गिरना, गोमई, पंजारा, पेदी, अरना नदी। कहाँ पे जाके गिरती है? खंबाती खाड़ी में, जो कि अरब सागर में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अंदर क्वारीज के लिए आप मेरे फेसबुक अकाउंट, जीमेल अकाउंट और मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।